हरिओम अम्बद्य, मैं मनीषा वीरा बोल रही हूँ धुरखेड़ा केंद्र से। मेरा अनुभव है कि एक बार एक बज रही थी रात को और कुछ तो भी काम था तो मैं आना चाह रही थी। तो थे हमारे पास, मतलब कैश नहीं थी घर में, थी तो 300 ही रुपये थे और हमको तीन जन को आना था इसमें। तो हमने सोचा कि एटीएम तो था हमारे पास, पर क्या करें, एटीएम भी बंद था रात को, दो एटीएम में गए वो भी बंद था, तो कैसे जाएं। तो बस स्टैंड पर गए हम, तो सोचा क्या करना, अभी वहाँ तक जाए कैसे। तो फिर एक गाड़ी आई, गाड़ी को रुकाया नहीं, तो वो गाड़ी वाला वापस हमको देखा और रिटर्न आया कि क्या है। तो हमने बोला कि हमको वहाँ तक जाना है, पर एटीएम वहाँ सेंधवा में रुकाना है बस, तो हम वहाँ पर आपको किराया देंगे। बोले ठीक है, बोले चलो। तो हम सेंधवा तक गए, इसको बोला हमने कि रुको, हमको पैसे निकालना है वहाँ से, तुमको देना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बोले कि आगे कर लेंगे अपन। तो सिरपुर आया वहाँ से, तो सिरपुर में से हमको उतारा, बोले आपको कहाँ जाना है। तो हमको बोला पास में एक गांव है, वहाँ पे जाना है। बोले नहीं, हम तो वहाँ तक आपको छोड़ देंगे। वहाँ तक मतलब जो हमारे पास थे 200-300 रुपये, वो भी हमारे पास रहे और हम घर तक पहुँच गए और हमारे पास वैसे वैसे पैसे रहे, हमको एक रुपया भी नहीं लगा। बापू की कृपा ये कि वहाँ तक घर तक हम ऐसे ही पहुँच गए। हरिओम।